शेख, मेरा एक सवाल था कि यहूदी नसारा जो है आजकल के ज़माने के, वो जो ईसा अलैहि सलाम है उनको तो खुदा मानते हैं, और कुरान में तो मुशरिक से शादी अलाउड ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो उस वक्त ये बात मारूफ थी कि यहूदो नसारा ये शिर्क करते हैं, और इसकी दलील ये है कि कुरान करीम के अंदर आपको जगह जगह ये बात मिलेगी कि यहूदो नसारा शिर्क करते हैं, नसरानी ईसा सलाम को खुदा मानते हैं, यहूदी उजैर को खुदा मानते हैं, और शिर्क के मुख्तलिफ तरीकों में वो मुलव्वस हैं। ये बात उस वक्त भी मालूम थी और कुरान ने जगह जगह इसकी निशानदेही की है। तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि यहूदो नसारा का शिर्क करना ये कोई आज का मामला नहीं है, उस वक्त भी वो शिर्क करते थे। इस बात को समझने के बाद दूसरे पॉइंट पर आइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बावजूद भी यहूदो नसारा की औरतों से मुसलमानों को शादी करने की इजाजत दी। तो ये ऐसा नहीं है कि उस वक्त उनका शिर्क का मामला कोई मख्फी था या लोग नहीं जानते थे, ये चीज उस वक्त भी मालूम थी। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औरतों से इजाजत दी। तो ये इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, हमें यह पूछने का हक नहीं है कि वो शिर्क करते हैं तो इजाजत क्यों दी गई। अगर वो अपने दीन पर कायम है, उनका जो भी दीन है वो मुहर्रफ दीन है, अगर उस मुहर्रफ दीन पर भी वो कायम है तो उनकी औरतों के साथ शादी करने की इजाजत है, और ये इजाजत इसके बावजूद दी गई कि वो उस वक्त भी शिर्क करते थे। लेकिन एक बात और भी वाजे रहे कि अगर कोई यहूदी या कोई नसरानी मुलहिद हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग मुसलमानों में मुर्तद हो जाते हैं, मुलहिद हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग जी ऐसे हैं दूसरे मजाहिब में भी कि वो मुलहिद नास्तिक हो जाते हैं, वो किसी अल्लाह एथिस्ट किसी खुदा एथिस्ट जी जी। तो अगर कोई यहूदी या नसरानी नास्तिक हो जाए, मुलहिद हो जाए, वो अपने दीन को ना माने तो फिर उससे शादी की इजाजत नहीं होगी। अगर लेकिन अगर वो अपने दीन पर कायम है और हमें मालूम है कि उसके दीन के अंदर, उसके अकीदे के अंदर शिर्क है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी है। जी शेख, हमजा भाई, अच्छा शेख, जैसे अगर को आजकल के जो नसारा है वो तो जो ईसाइत है उस पर तो अमल ही नहीं करते, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो वो करते हैं, तो क्या फिर भी उनसे शादी करना अलाउड होगा? मेरा सवाल आपसे है, एक सवाल, हम बहुत सारे लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम के सारे अहकाम पर अमल नहीं करते, यानी अमली तौर से उनके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। तो क्या अमली खराबियां पाई जाने की वजह से हम किसी मुसलमान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं? जी नहीं अगर सर, हम अमल नहीं करते हैं, अगर करने लगे तो ये जो शादियां हमारे समाज में हो रही हैं, इनमें से हो सकता है 90% शादियां कैंसिल हो जाए। तो जब हमारे दीन में अमल की बुनियाद पर, आमाल की या कबायर की बुनियाद पर किसी को दीन से खारिज नहीं किया जाता है, तो यहूदो नसारा के अंदर अगर अपने दीन पर अमल करने में कोताही है तो उसकी वजह से वो दीन से खारिज थोड़े हो जाएंगे। वो अपने दीन को अकीदतन मानते हैं, बाज आमाल पर अमल कर रहे हैं, बाज आमाल में उनमें कोताहियां हैं, जैसे हम मुसलमानों के अंदर हैं। अच्छा ठीक। एक साथ एक चीज मैं मतलब वजाहत चाहता हूँ कि पब्लिक के लिए भी वाजे हो जाए कि किसी नसारा या यहूद की लड़कियों से शादी करना क्या इस्लाम में कोई अफजलियत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई मुस्तहसन अमल नहीं है और इसकी तरगीब नहीं दी गई है, जी इसकी इजाजत दी गई है। इजाजत अलग जी बात है और तरगीब अलग बात है, तो इसकी सर, तरगीब ऑलरेडी नहीं दी गई है। जी शेख, तो जजाकअल्लाह लिहाजा खैर। असलाफ में से बहुत सारे सलफ के आपको इस तरह के अकवाल मिलेंगे कि अगर मोमिना औरत मुयस्सर है, मौजूद है, तो आप उससे शादी करें, लेकिन अगर कोई करता है तो जायज है। तो जवाज ये अलग मसला है
अफजल बताना ये अलग मसला है। मुसलमान औरतें आजकल डाटा के एतबार से इतने लाख है ना कि जो बेवा हैं और कुमारी लड़कियां जो 30 के ऊपर एज को पहुंच चुकी हैं, इतना ज्यादा है कि उसके मतलब अगर लोग दो दो शादियां करें तो नहीं पूरा होगा। तो आज लोग मुसलमानों के मर्द यहूद और नसारा में शादी करने को अच्छा, शेख ने नहीं कहा है कि मुस्तहसन या हसन है बहुत अच्छा है कि वहां पर शादी करो कोई अफजलियत मिल जाएगी या कोई फजीलत मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इजाजत दिया अल्लाह ताला ने, उस इजाजत को इजाजत तक ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी शेख आप बोल रहे। और एक बात, बहुत सारे उलमा ने इस नुक्ते को जिक्र किया है कि यहूदो नसारा की औरतों से शादी करने में कई दफा, हम ये तो नहीं कह सकते हमेशा, लेकिन कई दफा सामने वाले के दीन को खतरा होता है। बहुत सारे दीनी और समाजी मसाइल और मुश्किलात उसके सामने आ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ईमान के कमजोर होते हैं और बीवियों का हक के हुकूक अदा करने में माशाल्लाह वो इतने आगे तक चले जाते हैं कि अगर बीवी कहे कि खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, बीवी कहे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। अगर कोई आदमी इस तबीयत और मिजाज का है तो उसको अपना दीन और ईमान छोड़ने में या अपना दीन और ईमान कमजोर करने में बीवी के सामने कौन सी देरी लगेगी, ये एक बात। दूसरी बात, और ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे तारीख में कि किसी ने यहूदी या नसरानी लड़की से शादी की, बाद में उसने खुद अपना दीन छोड़ दिया, तो ये एक खराबी होती है। दूसरी ये कि जो बच्चे पैदा होंगे, जाहिर है बच्चों की तरबियत ये माँ बाप दोनों करते हैं और माँ बाप दोनों की तरबियत का असर बच्चे के ऊपर होता है। जो नसरानी औरत है अपने दीन पर कायम है, जाहिर है उसकी तरबियत अपने बच्चे के लिए उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से मुसलमान तरबियत करता है, तो आपके बच्चों का दीन ईमान भी खतरे में आ सकता है। तो बहरहाल ये इजाजत है, अगर कोई किसी ने कर लिया है तो इस शर्त के साथ जायज है कि वो अपना दीन और ईमान कायम रखेगा, तो उसके लिए जायज है। लेकिन ये कोई मुरहब और मुफद्दल अमल नहीं है कि इसकी तरगीब दी जाए, ये जायज है। कोई कर रहा है तो हम उस पर नकेल नहीं कर सकते। शुक्रन शेख, जज़ाकअल्लाह खैर, उम्मीद है भाई के सवाल के जवाब हो गया हो। शेख एक और एक इसी से एक रिलेटेड सवाल था कि अमेरिका जैसे मुल्क में और ये यूरोप जैसे मुल्क में, जहाँ इब्ने अब्बास का कॉल भी था ना कि मुसलमानों के मुल्कों में अगर शादी की जाए तो सही है, अगर गैर मुल्कों में शादी की जाए तो आप ना करें। नहीं देखिए, मुझे वल्लाह आलम, मुझे तो ऐसे किसी कौल का इल्म नहीं है, मैं इंकार भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मुमकिन है आप जिक्र कर रहे हैं तो हो, लेकिन मुझे ऐसा इल्म नहीं है। शादी के लिए ऐसी कोई बंदिश और ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप किस मुल्क में शादी करें। शादी के लिए उस लड़की को, उसके दीन को, ईमान को, उसके अखलाक को, उसके औसाफ को देखा जाएगा, इससे मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो मुल्क की बात है वो हालात और जरूर पर है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालात हो सकते हैं। जैसे अगर किसी मुल्क के बारे में मारूफ है कि वहां की लड़कियां दीनदार नहीं होती हैं, तो जाहिर है हम आपको कहेंगे कि आप उससे बचें। लेकिन अगर वहां की कोई मुसलमान लड़की है, कोई शादी कर रहा है, तो हम उसको मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि आप उससे बचें, ऐसी जगह पर ना जाएं। बाकी मना करना ये तो अगर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल है भी तो भी उसका ये मतलब नहीं होगा कि मना किया गया है। हो सकता है बाज हालात में उन्होंने इसको अफजल ना बताया हो कि अगर दारुल कुफ्र में या जहां पर कुफ्र इस तरह से आम है वहां शादी करने से बचे, क्योंकि वहां पर खतरा है। बाकी ये नहीं कहा जा सकता कि वो जायज नहीं है। अच्छा शेख, कभी कभी मुफ्ती जो होता है वो मुस्तफ्ती को देख करके इंडिविजुअल कोई फतवा दे देता है। बिल्कुल, देखिए बस जरूरी ये है, जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपका फतवा शरीयत के उसूल से बाहर नहीं जाना चाहिए, शरीयत के उसूल के अंदर रहना चाहिए। और बसा औकात एक ही मसले में शरीयत आपको कई ऑप्शन देती है, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं उसके। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा में अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी कि सेम मसले में अगर कोई आदमी फतवा पूछने आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ फतवा दिया,
दूसरा आदमी आया, उसके हालात मुख्तलिफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई और फतवा दिया। जैसे उसकी बहुत बड़ी मिसाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसको पूछने आया कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि सबसे अफजल अमल है जिहाद करना, जिहाद फी सबीलिल्लाह। कोई दूसरा पूछने आया सबसे अफजल अमल क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा बिरुल वालिदैन, वालिदैन की जो है के साथ उससे सलूक करना। कोई और पूछने आया कि सबसे अफजल अमल कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तौहीद। तो सामने वाले के जो हालात हैं, सामने वाले को के जो ज़रूरत है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके एतबार से हम बताएंगे कि तुम्हारे लिए अफजल क्या है। तो अच्छा शेख, सारी चीजें जी, अच्छा अगर इसी फतवे को अगर हम एक तरह से मान लें कि वो कॉल जो भाई जिक्र कर रहे हैं, आपने भी कहा कि मेरे इल्म में नहीं है और मुझे भी ऐसा मतलब मेरे इल्म में भी नहीं है, तो अगर हम उस फतवे को ऐसे मतलब महमूल करें, मिसाल के तौर पर हमसे किसी ने आकर के पूछा भाई ऐसा ऐसा लड़की है, क्या मैं उससे शादी कर लूं, और अगर मैं जानता हूं लड़की फासिक किस्म की है, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा गुनाह करती है या बहुत ज्यादा दीनदार नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूं ना कि वहां पे मत करो बल्कि वो बेहतर नहीं है। तो इस तरह अगर किसी ने ये कह दिया कि वहां के लोग अगर ज्यादा गुनहगार हैं या फासिक हैं, तो आपको चाहिए कि किसी दीनी मुल्क में या इस्लामी मुल्क में जहां खास खालिस ईमान वाले लोग हैं वहां कर लें, तो क्या ये फतवा शरई एतबार से वो टकरा तो नहीं रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ये फतवा सही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतावा में मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक खातून आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा कि मुझे अबू सुफियान ने पैगाम भेजा है शादी का, और इसी तरह से जहम, ये सहाबी के गालिबन जहम है, उन्होंने मुझे शादी का पैगाम भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला से शादी मत करो क्योंकि बहुत मानने वाले हैं अपनी या उन्होंने कहा कि अम्मा फलान उनको मशवरा दिया, तो जो दो जगह पर शादी करने से मना फरमाया, तीसरी जगह का आपने मशवरा दिया। तो मुफ्ती जो होता है वो मुफ्ती होने के साथ साथ मुस्तशार भी होता है, तो सामने वाले के लिए बेहतर क्या है वो उसका मशवरा उसे दे सकता है, लेकिन उसका मशवरा शरीयत के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकअल्लाह खैर। हमजा भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब एंगल से आ चुका है मेरा ख्याल है। शेख शेख शेख, और बात है, हाँ शेख, एक इसी से रिलेटेड सवाल था शेख, क्या हम गालिब गुमान कर सकते हैं कि देखें ईसाई जो जितने भी लोग हैं अमेरिका में वो तो ज्यादातर फाइशा होते हैं, तो फाइशा से भी शादी करना अलाउड नहीं है, तो हम क्या गालिब गुमान करेंगे या आपकी तरह सेपरेट फतवा लेंगे? देखिए, गालिब गुमान तो यकीन के दर्जे में होता है, लेकिन आप ये बताएं आप किस बुनियाद पर गालिब गुमान करेंगे। हमारी शरीयत के अंदर एक कायदा है कि तमाम इंसानों के अंदर अल असलो अल बरा, हर इंसान को बरी माना जाएगा, तमाम तरह के जराइम से, तमाम तरह के गुनाहों से इंसान को उस वक्त तक बरी माना जाएगा जब तक कि उसका यकीन ना हो जाए, जब तक वो साबित ना हो जाए। अगर ये जो आप बात कह रहे हैं ये तो मुकम्मल तौर से बदगुमानी पर ही मबनी है, ये बात आप हिंदुस्तानी मुआशरे में भी कह सकते हैं। तो असल ये है कि हर इंसान बरी है, उसके बारे में जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए, उसका गुनाह साबित ना हो जाए, तब तक उसको बरी माना जाएगा। तो लिहाजा जो मसला है आपका, ये बहुत ही इंफिरादी मसला है, जाहिर है अगर इसके बारे में आप तफसील के साथ जानना चाहते हो तो किसी आप आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से मिले और वो सारी तफसीलात आपको बताएं, फिर उसके मुताबिक वो आपको फतवा देगा। और बाकी हम जो बातें करेंगे हमारी बातें तो जनरल होंगी,